और चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी का राजस्थान का ये चौथा दौरा रहने वाला है। सभी दौरे अलग अलग संभाग में हुए हैं, ऐसे में सियासी गलियारे में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या पीएम मोदी ही राजस्थान में बीजेपी की नैया पार लगाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान दौरे पर अजमेर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। 31 मई से 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। 3 स्तरों पर चलने वाले इस महाअभियान की लॉन्चिंग करने पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कांटे की लड़ाई राजस्थान में होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखकर ही देश भर में चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान की लॉन्चिंग राजस्थान में पीएम मोदी से कराई जा रही है। इसमें एक तो अभियान की शुरुआत होगी, वहीं दूसरे राजस्थान के लोगों को पीएम मोदी के चेहरे से साधने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश में इस चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 माह में चौथा दौरा होने जा रहा है। इस बार पीएम के दौरे के लिए अजमेर का चुनाव किया गया है। इससे पहले अलग अलग दौरों में समुदाय, क्षेत्र और चुनावी गणित को ध्यान रखा गया। पीएम के दौरे रणनीति के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने के बाद से ही पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने की बात लगभग सभी नेता कर रहे हैं। इस कड़ी में बार बार प्रचारित भी किया जा रहा है कि पीएम के अलावा किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब लगातार हो रहे पीएम के दौरों और मुख्यमंत्री गहलोत एवं उनकी योजनाओं पर भाजपा नेताओं की ओर से टारगेट किए जाने से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत होगा। बीजेपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे, कमल निशान और केंद्र सरकार के काम के नाम पर वोट मांगने जा रही है। पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और योजनाओं पर वोट मांगने जा रही है। देश भर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें मोदी सरकार की उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, जनधन बैंक खाता समेत योजनाओं को लोगों को बताकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। इसके लिए प्रमुख नेताओं को एक एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको बताते हैं कि कब कब राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी आए। 28 जनवरी आसिन में देवनारायण जयंती समारोह में पीएम मोदी के जरिए गुर्जरों को साधने की कोशिश। 12 फरवरी दौसा के धनावट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लोकार्पण समारोह में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर पश्चिमी राजस्थान के लोगों को साधने की कोशिश की। 10 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा में दर्शन के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। सिरोही काबू रोड में बीजेपी की ओर से सभा को संबोधित किया। मेवाड़ और मारवाड़ के साथ आदिवासियों पर पकड़ बनाने की कोशिश। 31 मई को प्रस्तावित दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें संभाग के नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर में खिसकते जनाधार को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 में 30 सितंबर को राजस्थान में आबू रोड आए थे। इसके अलावा वे 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी में गुटबाजी हावी रही है। कांग्रेस तो आरोप लगाती रही है कि बीजेपी में 10 सीएम घूम रहे हैं। कार्यक्रमों में देखा जाता रहा है कि अलग अलग नेताओं के गुट नजर आ रहे थे। इस गुटबाजी को रोकने और खत्म करने के लिए सांसद सीपी जोशी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी, लेकिन वो भी गुटबाजी को दूर करने में नाकाम रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा के लिए चुनावी फेस जो होता है वो कमल का चिन्ह ही होता है। बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग कारणों से वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो राजस्थान के सभी संभाग को वो स्पर्श कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ की जनता उनको बहुत चाह भी रही है, तो जनता की भावनाओं का वो सम्मान करके वहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पीएम का जब आना होता है उस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक रूप में जिस क्षेत्र में वो आए हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा उपयोगिता साबित हो सकती है। खैर, पीएम मोदी के ये दौरे भाजपा के लिए संजीवनी का काम करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।
नशे के खिलाफ राजस्थान PHQ क्राइम ब्रांच का एक्शन जारी है। गिरफ्तार